महाराष्ट्र की सियासत में हड़कंप मच गया है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में एक बार फिर असली शिवसेना की लड़ाई फ्रंट फुट पर आ गई है। मामले में उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बड़ी मांग की है, जिसके बाद राज्य में बड़े सियासी उलटफेर की संभावनाएं जताई जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर असली शिवसेना की लड़ाई तेज होती हुई नजर आ रही है। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट से बड़ी मांग की है। दरअसल उद्धव गुट के विधायक सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले को चुनौती देते हुए एक याचिका दाखिल की थी। उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि एकनाथ शिंदे ने असंवैधानिक रूप से सत्ता हथिया ली है। मामले में 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और अब उद्धव गुट की शिवसेना ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए मामले पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए इसे 12 जुलाई को ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की मांग की है। उद्धव गुट की मांग पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी से ईमेल करने को कहा है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनकी मांग को स्वीकार कर सकता है। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ने 10 जनवरी को एक आदेश में जून 2022 में विभाजन के बाद शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट को असली शिवसेना घोषित किया था, जिसके बाद स्पीकर के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और कोर्ट ने 19 जुलाई को सुनवाई की तारीख दी थी। बहरहाल अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर कोर्ट ने उद्धव गुट के पक्ष में ये फैसला दे दिया तो महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है और विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे गुट के लिए ये बड़ा झटका साबित हो सकता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।